हेलो गाइस, दिस इज़ लवदीप फ्रॉम एंडेवर इमिग्रेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ाज के बारे में। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाउस वीज़ाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा की। सो जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट होता है वो 500 सब क्लास वीज़ा पे जाता है, तो स्पाउस का भी सेम सब क्लास में वीज़ा रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस वीज़ा लेने के लिए यू शुड स्टडी एट मास्टर्स लेवल और बैचलर्स लेवल। अगर आप बैचलर्स लेवल में जाते हो तो आपके स्पाउस को 20 आवर्स अ वीक के वर्किंग राइट्स भी मिलते हैं, और इसमें आप अपने चाइल्ड को भी लेके जा सकते हो। अगर आप मास्टर्स लेवल पे जाते हो तो आपका स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है, बिकॉज ही विल बी और शी विल बी गेटिंग फुल टाइम वर्किंग राइट्स। सो मूविंग ऑन टू कनाडा, जो कनाडा का स्पाउस वीज़ा रहता है, जब कनाडा की स्टडी वीज़ा की फाइल लगाते हो उसमें भी आप स्पाउस को ऐड कर सकते हो, बट इसका सक्सेस रेट काफ़ी कम रहता है, स्पेशली फ्रॉम इंडिया। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 6 मंथ्स बाद, जब उनका स्पाउस पहले चला जाता है उसके बाद वीज़ा लगाते हैं, तो स्पाउस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलता है जिसमें स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है। तो इसमें भी जो चाइल्ड है वो साथ जा सकता है। इसमें जो आपका मेन एप्लीकेंट या स्टूडेंट होता है उसको बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अकोमोडेशन, अ लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और उसको कुछ अपने पे स्टब्स लगाने पड़ते हैं एज अ प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि आप अपने जो डिपेंडेंट है आपका हस्बैंड और वाइफ, उसके सारे जो खर्चे हैं वो आप बियर कर सकते हो। अगर यूके की बात करें तो Tier 4 वीज़ा पे आप डिपेंडेंट को लेके जा सकते हो। अगर आप यूके जाना चाहते हो अपने स्पाउस के साथ तो आपको मास्टर्स डिग्री में जाना पड़ेगा, सो आफ्टर ग्रेजुएशन आप जा सकते हो। इसमें भी आप चाइल्ड को साथ लेके जा सकते हो, आपके स्पाउस को इसमें फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिलेंगे। अगर यूएसए की बात करें तो F1 जो वीज़ा रहता है, स्टडी वीज़ा, अगर आपने स्पाउस को लेके जाना है तो स्पाउस का, वंस द मेन एप्लीकेंट इज़ इन कंट्री, ही और शी कैन अप्लाई फॉर स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा विच विल बी F2 वीज़ा। तो इसमें वर्किंग राइट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आप चाइल्ड को भी लेके जा सकते हो। इवन जो F1 वीज़ा रहता है उसमें भी जो फर्स्ट ईयर में जो मेन स्टूडेंट होता है उसको भी सिर्फ ऑन कैंपस ही वर्किंग राइट्स मिलते हैं, तो स्पाउस को इसमें वर्किंग राइट्स नहीं मिलते हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा वहाँ पे भी मिल जाता है, वहाँ पे आप चाइल्ड को लेके जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो आपका कोर्स है उसका लेवल हाई होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप Level 7 या 8 में जा रहे हो बैचलर्स में, तो आपके स्पाउस को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और अगर आप मास्टर्स या डॉक्टरेट की स्टडी में जा रहे हो तो आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो, उसमें आपके स्पाउस को फुल टाइम जो वर्किंग राइट्स वहाँ पे मिलेंगे। तो गाइस, मूविंग ऑन टू जर्मनी, अगर आप जर्मनी में जाते हो तो आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो। तो इसमें जो वीज़ा रहता है वो रहता है फैमिली रीयूनियन स्पाउस वीज़ा, तो इसमें जो स्पाउस है उसको फुल वर्किंग राइट्स मिलते हैं, और आप चिल्ड्रन और पेरेंट्स को भी इवन लेके जा सकते हो। इसमें एक कैच रहता है कि जो डिपेंडेंट होता है उसको A1 जर्मन लैंग्वेज का क्लियर करना पड़ता है, तभी वो जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रूफ्स सेम लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आपको देने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्रूफ्स और जो लीज़ वगैरह और आपके पे स्टब्स वगैरह भी इसमें लगाने पड़ते हैं। तो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड, जस्ट हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं और या आप किसी खास टॉपिक पे चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट हमें लीव कर सकते हैं। तो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।